कौन तोड़ दिया घर? चप्पल अपन नहीं पहने आते, उन तीनों जन के चप्पल कहाँ गए? तीनों जन के घर टूट गए, कितना दुख लगते जो। इसमें कब घर बना लिए ट्रैक्टर में आप? बस्ती बहिष्कार कर रहे हैं। क्या है बस्ती बहिष्कार? चप्पल क्यों नहीं खरीद रहे हैं बच्चों के लिए? 7 दिन के बाद में मुख्यमंत्री जी के पास मानव अधिकार में कागज छोड़ा था, जिस बनाया था आवेदन उसको। 3 बच्चे हैं, घर बना रहे हैं। मेरे बगल में बच्चे हैं, वो घर बना रहे हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। 3 बच्चे हैं, घर बना रहे हैं, और पीछे एक और घर बना हुआ है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जहाँ बच्चे रहते हैं ये उनका घर है, जहाँ अभी रहते हैं, और ये घर वो खेलने के लिए बना रहे हैं। बना इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका घर है वो टूट चुका है। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं कि बच्चे हैं कहाँ से और यहाँ घर क्यों बना रहे हैं। अच्छा बाबू, ये बताओ कहाँ से हो आप लोग? मोहरा, गरियाबंद मोहरा से हैं। अच्छा, यहाँ क्यों घर बना रहे हो? यहाँ खेलने के लिए। अच्छा, ये वाले घर में कब से रहते हो? ये वाला जो घर बना है ट्रैक्टर में, वो 21 तारीख से रहते हैं। 21 जुलाई से रहते हैं। हाँ। बताओ कितने लोग हो घर में आप लोग? हम 4 लोग। अच्छा, 4 लोग। कौन कौन? पापा और ये दोनों भाई हमारे। अच्छा, 4 लोग रहते हो। हाँ। कौन तोड़ दिया घर? सरपंच, ग्राम पंचायत सरपंच ने तोड़वाया। हाँ। अभी कौन से ये घर कैसे बनाया हो? ये घर खेलने के लिए बनाया है यहाँ। क्या क्या लगा हो बताओ ना। ये बांस। हाँ। और ये यहाँ फेंकाया था। हाँ। ये उसको लगाया। हाँ। और ये एक चारों तरफ ये बांस ठेसा और होती। हाँ। और उधर और उधर। हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ ही में बातचीत कर, वो ये बताते हैं कतेक पढ़ता सभी? हाँ। हाँ? मैं छठवीं पढ़ता। तो स्कूल जाता? हाँ। कब? अभी नहीं जाता। कब गिरे आखिरी बार स्कूल? आखिरी बार जात रहे ना, अभी यहाँ 2-3 दिन हो गए। अच्छा। हाँ। एमन तोर भाई है? हाँ। का नाम ही कर? ओकर तरुण लहर है, ओकर तन्मा लहर। अच्छा, तरुण तहु घर बना था उसका? का है तोर घर में वो बता। नान चुपाल और टाइल्स। हाँ, टाइल्स भी लगाया इस घर में। हाँ। और राचा। ऐसे? अभी कहाँ रहता है? ट्रैक्टर में। मच्छर अच्छा नहीं काटे हैं तो मच्छर काटे थे बैठे हैं? मच्छरदानी लगा था। मच्छरदानी लगा के ट्रैक्टर में। अच्छा, अब ये बता स्कूल तो हूँ जाता है? हाँ। कतेक पढ़ता है? 3री। अच्छा, तो यहाँ का करे आगे से? यहाँ का बर घर बना था? यहाँ खेलने के लिए घर बना रहे हैं। खेलने पर बना था? चप्पल अपन नहीं पहने आते, उन तीनों जन के चप्पल कहाँ गए? हमारे चप्पल को माटी ने दबा दिया। अच्छा, ये बता, ये बता फिर बता कहाँ हो चप्पल? माटी ने दबा दिया गया। कौन दबा दी चप्पल? जो काम करने आया, घेरा लगाया है। हाँ। वो लोग दबा दिया है। अच्छा, दबा दिए। हाँ। हाँ, घर टूटा उसी में दब गया। और क्या क्या दब गया घर का सामान? कुछ नहीं दबा, और चप्पल। हाँ। और कुछ नहीं दबा, मोजा वोजा सब दब गया। पुस्तक कॉपी को नहीं, वो नहीं। टीवी भी नहीं? टीवी से ये फोड़ दिया था। अच्छा। ड्राम रही से झूल के पटक दी, झूल गरी। हाँ, पटका आगे टीवी है। कितना दिन बिना चप्पल घूमा था? 21 तारीख से पूरा। अच्छा, कल 1 महीना हो जाही। हाँ। बिना चप्पल के गड़े? कांटा वटा नहीं गड़े? बिना चप्पल के घूमा था? नहीं गड़े। बाहर खेला तो मच्छर वच्छर काटा था? नहीं। हाँ। डर नहीं लगे? नहीं लगते। अच्छा, गाँव में कहाँ रहे हो जब घर टूट गया था? घर टूट गया था, ये लोग बनाते रहे, तबुआ कर रहे हैं। हाँ। मैं यही बुए में रहे हैं ना, बनाई से पहला पाल वाला गई से। हाँ। तो मैं यही करी से। अब पुस्तक कापी कहाँ है तो? अभी पुस्तक कापी अभी यहाँ है। अच्छा। ये घर की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनके पिताजी रहते हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि देख पा रहे होंगे घर इनका तोड़ दिया गया है, तो ये ट्रैक्टर में रहने को मजबूर है। ट्रैक्टर में ही इन्होंने अपना घर बना लिया है। भैया क्या नाम है आपका? देव नारायण लहरे। तो देव भैया, बच्चे बता रहे हैं घर तोड़ दिए इसलिए इसमें रहना पड़ता है। बिल्कुल, ये बात तो सत्य है। क्या कुछ कहानी है घर तोड़ने की बताएंगे? कौन तोड़ दिया घर? ग्राम पंचायत वाले नोटिस दिए थे मुझे। हाँ। उस नोटिस में भी खसरा नंबर 320 था, ग्राम पंचायत से मिला था उसमें। हाँ। नायब तहसीलदार यहाँ से नोटिस मिला है, वो है खसरा नंबर 821 संलग्न भूमि सवाचारा का। भीतर दिखाएंगे क्या क्या रखे हैं सामान, थोड़ा भीतर देख लें क्या? बच्चों को ही बुलाइए। हाँ, आ जाओ भाव, आ जा समार, तरुण तन्मय।
धीरे 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 भीतर जो ट्रैक्टर में इनका घर बना हुआ है वहाँ भीतर पहुँच चुका हूँ। वहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। इसी में किचन है, इसी में रहना है, इसी में पढ़ना है और इसी में सोना है। सारी कहानी ट्रैक्टर के ट्राली के भीतर समा गई है। कितनी बड़ी घर थी वो तोड़ दी गई है। अब बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। अच्छा बाबू ये बताओ, आप पढ़ाई वढ़ाई कर एक सामान ले लेके आए हो तुम? नहीं हाँ, कहाँ रखे हो सब? ये बैग में। अच्छा स्कूल नहीं जा, अभी तो स्कूल नहीं जाता। कौन पढ़ाते यहाँ? पापा पढ़ाते। पापा पढ़ाते। खाना भी पापा बनाते। तुमन के घर टूट गए तीनों जन के। तहु एतिया तीनों जन के घर टूट गए। कितना दुख लगते जो, कितना पीड़ा होते कि घर तुम्हें टूट दे गए है। कैसे रहा तो इतना दिन ला दुख होते घर टूट गए है। तो देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दुखी भी हैं, मन मायूस भी है। जहाँ जिस मिट्टी में खेले हैं, जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, उसी घर को तोड़ दिया गया है। इनके पिताजी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं। भैया ये बताइए कब टूटा आपका घर? मेरा घर दिनांक 21/7/2023 को तोड़ा गया है। अच्छा हाँ। इसमें कब घर बना लिए ट्रैक्टर में आप? उसके 5-7 दिन बाद बनाया इसको। तब से ट्रैक्टर में ही रह रहे हैं। घर जब टूटा उसके बाद कैसे कर कहाँ उसके हाँ। बाद मैं तो ट्रैक्टर में ही रह रहा था बिना इसको बनाए हाँ। बच्चे लोग को गांव के एक व्यक्ति ने लेके रखा था कि अब जो भी मेरे ऊपर भी यदि बस्ती बहिष्कार का दंडित करेगा उसको मैं सह लूँगा, लेकिन बच्चे की तकलीफ मेरे को देखे नहीं जाती, ऐसे करके लेके रखा था। अब जब 5-7 दिन बाद मैंने इसको बनाया तब से हम लोग इसी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस्ती बहिष्कार कर रहे हैं। क्या है बस्ती बहिष्कार? क्यों आपको क्यों किया बस्ती बहिष्कार? अब कारण तो उन लोगों का कहना है कि अवैध जगह में तुम्हारा कब्जा है करके, घास भूमि में अवैध कब्जा है करके। उस भूमि पे मैं अभी से नहीं, बाबूजी 2008 में जो घास भूमि पर जिसका काबिज था मकान और बाड़ी, उनसे हम लोग लिए हैं, जिसका बाबूजी ने नोटरी भी कराया है। उस भूमि पर मैं ऑलरेडी 2009 से वहाँ रह रहा था। अभी कुछ पारिवारिक स्थिति के कारण मुझे कमाने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। अब जब मैं वहाँ वापस जाके अभी देखा तो मेरी जो बाड़ी थी उसको पूरा मिला लिया गया था गौठान में। बच्चे आप ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी? जी। ये बताइए खाना पीना कैसे कर रहे हैं बनाने के लिए? खाना इसी में बनाना होता है। हाँ खाना खा लिए अभी आप? मेरा खाना बचा है, बच्चे लोग खा लिए। हाँ। क्या बनाया आज दिखाएंगे? दाल बनाया था हाँ। ये जो दाल है हाँ हाँ, और चावल बनाया। चावल बच्चे लोग खा लिए हैं हाँ। और ये जो छोड़ा है उनके साथ बचा है उनको मिला करके मैं खाऊंगा। कितना दुख हो रहा है, घर टूट गया, कितना पीड़ा होता है, क्या बताऊं। जिला प्रशासन भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं पिछले जब से मेरा बस्ती बहिष्कार दिनांक 7/6/2023 को हुआ है, उसके बाद मैंने 7 दिन के बाद में मुख्यमंत्री जी के पास, मानव अधिकार में, कलेक्टर महोदय के पास एवं एसपी महोदय के पास में कागज़ छोड़ा था, जिस बनाया था आवेदन उसको, उसके बाद से भी कुछ कार्यवाही नहीं हुआ। अब दुख तो इतना है कि किसको बताएं किसको नहीं बताएं। अच्छा भैया ये बताइए रायपुर क्या उम्मीद लेके आए हैं आप? रायपुर इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारा मुलाकात होगा करके आए थे, पर वहाँ उनके निवास पर हमको मिलने का नहीं दिया गया। बोले कि मिलने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इस नाम से हम लोग यहाँ इस धरना स्थल पर आ करके अपना रुके हैं। खेती किसानी करते हैं आप? खेती किसानी तब मैं बच्चे के नाम से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इनको नहला खिला के घर था तो मैं स्कूल जाने के लिए रेडी करता था। अब मैं आप ही नहलाते खिलाते थे क्यों? आप ही क्यों नहलाना खिलाना पड़ता है?
इसकी मम्मी नहीं है, 2 साल हो गए, और घर में मेरा पिताजी भी नहीं है, ना मेरी माँ भी नहीं है। तो बच्चों के माँ बाप आप ही हैं? जी बिल्कुल मैं ही हूँ, जो भी इनका हूँ मैं ही हूँ, और मेरे लिए ये बच्चे बस। कौन लोग हैं जो आपके घर तोड़ दिए और क्या कहकर तोड़ दिया, नाम के साथ बताइएगा, और कहाँ कहाँ अपनी आवेदन लेके गए कि न्याय की गुहार लगाने गए? मेरा मकान को अवैध कब्जा है करके ग्राम शीतला समिति, जिसका अध्यक्ष नरेश सोम, सचिव श्रवण साहू और सदस्य है उसमें बहुत सारे, उनका भी नाम बताइए। डोगेश्वर निषाद, सुखेंद्र राम निषाद, नम्बू राम बिसेन, टिकेश्वर श्रीमाली और चमन पटेल, ये सब है शीतला समिति के सदस्य। सरपंच भी बता रहे थे? सरपंच भी उसमें संरक्षक के, हाँ कुलेश्वर साहू जी सरपंच हैं। कहाँ कहाँ ले गए थे न्याय की उम्मीद लेकर कि हाँ कुछ तो न्याय मिलेगा? जब मेरा बस्ती बहिष्कार हुआ उस समय मेरा मकान नहीं टूटा था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पास 14/6/2023 को और मानव अधिकार में भी उसी डेट को एप्लीकेशन छोड़ा था। उसके बाद मैंने 15/6/2023 को एसपी और कलेक्टर के पास आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक 2 महीने से भी ऊपर हो जाने के बाद मात्र एक बार मेरे बयान के लिए आया था, और मेरे बयान होने के बाद जो मेरे खेत बो रहा था उनका बयान होना था, तो उन लोगों को साथ में सरपंच, उप सरपंच और गांव के एक पंच लेके गए थे थाना। अब वो लोग बोले हैं, बयान दिए हैं करके, तो बता रहे थे कि जो मना किया है शीतला समिति उस बात को हम लोग सत्यता के साथ थाने में बताए हैं करके, लेकिन अब वहाँ की स्थिति क्या है हमको पता नहीं। और सरपंच और बाकी लोगों का कहना है कि वो देवनारायण कहीं भी चला जाए, अब कोई कुछ नहीं होगा। गांव से चावल वाल मिलता, सोसाइटी से सब मिलता है? हाँ सोसाइटी से मिलता है चावल। हाँ, बच्चे आपके चप्पल नहीं पहने, कह रहे हैं चप्पल भी घर में दब गया। हाँ, चप्पल घर में दब गया, क्योंकि वो लोग आज सामान वगैरह को सब अपने से निकाले हैं वो लोग, और जो सामान वहाँ छूट गया वो सब तोड़ने के समय उसी में दब गया। क्यों नहीं खरीद रहे हैं बच्चों के लिए चप्पल? चप्पल क्यों नहीं खरीद रहे हैं बच्चों के लिए? अब तो स्थिति यह आन पड़ी कि कैसे हम लोग जीवन यापन करें, एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी उम्मीद के साथ आए कि हमको न्याय मिलेगा, मुख्यमंत्री जी से मिल करके ही हमको न्याय मिलेगा, अब हमारी समस्या सुनने वाले वही हैं बस, ऐसा करके यहाँ आए हैं हम लोग। आपके साथ ऐसा क्यों किया गया है, क्या लगता है आपको? मेरे साथ ऐसा जातिगत दुर्भावना के तहत ही किया गया है, यही बात है, क्योंकि और बाकी लोग सवा चार एकड़ है घास भूमि पर, किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया, ना कोई पंचायत मीटिंग, ना शीतला समिति मीटिंग, खाली मेरे लिए ही जातिगत दुर्भावना के तहत ऐसा कार्रवाई किए गए हैं। कितना दिन रुकने का सोच क्या है रायपुर में, क्योंकि 2 दिन हो गया बता रहे थे आप, एक रात उधर काटे दूसरा रात यहाँ काटने वाले हैं, आज कितने दिन रुकने वाले हैं आप रायपुर में? जब तक हमें उचित कार्यवाही और तुरंत कार्यवाही का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलता, तब तक हम लोग यहीं पर ही धरना करेंगे, या यहाँ को छोड़कर हम लोग जो नया धरना स्थल है मानतुता के पास वहाँ जाएंगे। इस तस्वीर को एक बार फिर आप देखिए, किस ट्रैक्टर में जो मकान बना है उसमें लोग रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या इनके साथ सही हुआ है? ये तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा, क्या अधिकारियों ने इनके साथ सही किया है? अगर अधिकारी समय से ध्यान देते, समय पर कार्रवाई करते थे, हो सकता था इनका घर बच सकता था, इनकी उम्मीद बच सकती थी।